आजकल सभी प्रकार के कंप्यूटर या मोबाइल में जो है प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। यह प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसकी वजह से जो है कंप्यूटर के काम करने की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है। वहीं कंप्यूटर के विकास के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी का विकास भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके साथ साथ हमारी कंप्यूटर व मोबाइल के काम करने की स्पीड जो है वो बढ़ रही है, जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और एक अच्छा प्रोसेसर ही जो है वो कंप्यूटर के काम करने की गति को बढ़ा देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम कंप्यूटर या मोबाइल खरीदने जाते हैं, तब दुकानदार हमें उस डिवाइस के प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता है, और इन्हीं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जो है प्रोसेसर का प्राइस भी तय किया जाता है। आइए जानते हैं कि प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल चिप होती है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। यह दिखने में जो है चौकोर आकार की एक छोटी सी चिप होती है। इसके प्रयोग से जो है कंप्यूटर व मोबाइल के काम करने की गति जो है वो बढ़ाई जाती है। यह कंप्यूटर के सभी इनपुट व आउटपुट गतिविधियों पर ध्यान देता है तथा उन सभी को जो है प्रोसेस करता है। प्रोसेसर ही जो है कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसे जो है हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, और इसे हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, जिसे जो है हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। प्रोसेसर जो है वो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के अकॉर्डिंग ही जो है वो काम करता है, और रिजल्ट को जो है यूजर के सामने आउटपुट के जरिए जो है शो करता है। कंप्यूटर के तेजी से काम करने का कारण ही जो है वो प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर जितना ज्यादा बढ़िया होगा, कंप्यूटर उतना ही तेजी से जो है काम करेगा। तो ये थी प्रोसेसर से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।